नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाजिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ फ्रॉम सरोज हॉस्पिटल सीकर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में पानी का कम होना। गर्भाशय में बेबी है वो एक थैली के अंदर रहता है जिसे हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, और इस एमनियोटिक सैक में एक क्लियर फ्लूड भरा रहता है जिसे एमनियोटिक फ्लूड कहते हैं। ये एमनियोटिक फ्लूड क्या होता है, इसका महत्व क्या है और ये कैसे बनता है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने ये मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है जहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पानी का कम होना क्या होता है, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका बच्चे और माँ पे क्या प्रभाव पड़ता है और पानी कम होने के क्या कारण होते हैं एवं इसका इलाज क्या है। जब गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाती है तो इसे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं, यानी कि गर्भाशय में पानी का कम होना। इसका डायग्नोसिस हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से करते हैं। सोनोग्राफी से हम AFI मेजर करते हैं। AFI यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। इसे बच्चेदानी के चारों कोनों पे हम एमनियोटिक फ्लूइड का सबसे बड़ा पॉकेट सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और इनको जोड़ के AFI निकाला जाता है। अगर AFI है वो 8 से कम है तो इसे हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं, और यदि AFI 5 से कम होता है तो हम इसे सीवियर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कहते हैं। इस कंडीशन में आपका डॉक्टर है वो आपको तुरंत डिलीवरी के लिए भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड या पानी है वो प्रेगनेंसी में कम क्यों हो जाता है। इसके मोटा मोटी दो कारण होते हैं। एक कि पानी बन ही कम रहा है, दूसरा कि पानी जो फ्लूइड बन रहा है वो लीक हो रहा है, यानी कि बैग फट गया है और सारा पानी बाहर निकल गया है जिसे हम लीकिंग कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर एक बार बैग फट जाता है या रप्चर हो जाता है तो उसकी ऑटोमेटिक सीलिंग नहीं होती है, जिसकी वजह से संक्रमण है वो बेबी तक पहुंच सकता है और उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को तुरंत टर्मिनेट करना पड़ सकता है। ये है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का सबसे कॉमन कारण होता है। अब हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड कम क्यों बनता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एमनियोटिक फ्लूइड है उसका 75% हिस्सा जो है वो बच्चे के यूरिन से आता है और 25% जो हिस्सा है वो प्लेसेंटा से आता है। इसलिए अगर बच्चा यूरिन ही कम कर रहा है तो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। ऐसा तब होता है जब उसकी किडनी में कोई परेशानी है और किडनी यूरिन कम बना रही है। दूसरा कि पेशाब के रास्ते में ही कोई रुकावट है, जैसे कि कई बार होता है कि मेल बेबी में उसकी पेशाब की नली में एक झिल्ली आ जाती है जिसकी वजह से पेशाब जो है वो बाहर नहीं आ पाता, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व भी कहते हैं। दूसरा कारण जो है वो प्लेसेंटा या आंवल से रिलेटेड रहता है, यानी कि आंवल कम फ्लूइड बनाता है, इसे हम प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी कहते हैं। ये जनरली माँ का बीपी ज़्यादा होने की वजह से होता है, या फिर माँ को कोई वेस्कुलर डिजीज़ है या फिर कोई लीवर से रिलेटेड परेशानी है, ऐसा तब होता है। कुछ केसेस में हम सारी जाँचें करवा लेते हैं फिर भी एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का कोई कारण निकल के नहीं आ पाता, इसे हम इडियोपैथिक केसेस कहते हैं। तो ये तो बात हो गई एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के कारणों की। अब हम बात करते हैं कि इसका माँ और बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम माँ से रिलेटेड सिम्टम्स की बात करेंगे। माँ से रिलेटेड सबसे कॉमन सिम्टम होता है कि माँ का पेट है वो प्रेगनेंसी के महीने की तुलना में काफ़ी छोटा हो जाता है, और हो सकता है कि डॉक्टर से पहले परिवार की कोई अनुभवी महिला है वो पेशेंट को ये बोल दे कि आपका पेट बहुत ही कम है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो अंदर बेबी के मूवमेंट्स भी कम फील होंगे, यानी कि बच्चा कम घूमेगा तो माँ को फील भी कम होगा। फ्लूइड कम बनने की वजह से बच्चे के पार्ट्स हैं, जैसे कि उसके हाथ पैर हैं, उसके इम्प्रेशंस पेट पे आसानी से दिखाई देंगे। इसके अलावा डिलीवरी के समय पानी कम होने पर लेबर प्रोग्रेस नहीं होता है, तो उस कंडीशन में सिजेरियन ही एक रास्ता बचता है। अब हम बात करते हैं बच्चे से रिलेटेड सिम्टम की। पानी कम होने पर बच्चे की ग्रोथ है वो बहुत ही धीमी हो जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में हम इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। इससे बच्चे का जन्म के टाइम पे वजन कम हो जाता है। बच्चे के लंग्स के विकास के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। माँ के पेट में बच्चों के फेफड़े में ये एमनियोटिक फ्लूइड ही भरा रहता है। अगर 24 हफ्ते से पहले माँ के पेट में बच्चेदानी के अंदर पानी कम हो जाएगा तो बच्चे के फेफड़ों का जो विकास है वो बहुत ही सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया भी कहते हैं। ऐसे बच्चों में जन्म के टाइम पे सांस की दिक्कत हो जाती है और बच्चों को NICU में भर्ती रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अगर फ्लूइड कम होगा
तो बच्चे को घूमने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उसके हाथ पैर हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यानी कि डिफॉर्म हो सकते हैं। हमने कई बार देखा भी है ऐसे बच्चों को जिनके पैर हैं वो बीच से मुड़े रहते हैं। एमनियोटिक फ्लूड कम रहने पे एमनियोटिक बैंड भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार बच्चों की अंगुली या हाथ भी कट सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी बहुत ही ज़्यादा कम है तो बच्चे की सडन डेथ हो सकती है। इसलिए सीवियर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होने पे आपका डॉक्टर है वो आपको तुरंत डिलीवरी के लिए भी बोल सकते हैं। पानी कम होने पे डिलीवरी के टाइम बच्चे की प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच रह सकती है, ब्रीच यानी कि उल्टा बच्चा, तो उस कंडीशन में फिर सिजेरियन ही एक ऑप्शन बचता है। इन सब समस्याओं के अलावा डिलीवरी के समय जब दर्द चलते हैं तो बच्चे की नाल जो है वो बच्चेदानी और बच्चे के बीच में कंप्रेस हो जाती है, जिससे बच्चे की धड़कन कम हो सकती है और इस स्ट्रेस की वजह से बच्चा बच्चेदानी में अंदर लेटरिन कर सकता है और जो पोटी है वो उसके फेफड़ों में चली जाती है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहते हैं। ऐसे बच्चों को डिलीवरी के बाद NICU में भर्ती रखने की ज़रूरत पड़ सकती है और कई बार तो उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है, यानी अगर पानी कम हो जाए तो उसे ट्रीट कैसे करेंगे। एक तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपना हाइड्रेशन ठीक रखे, यानी कि हर थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड जैसे कि नींबू पानी, नारियल पानी, दूध आदि लेता रहे। दूसरा, अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि अगर पेशेंट का BP बढ़ा हुआ है या उसे कोई वेस्कुलर या क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसका वो प्रॉपर इलाज ले। कई बार हम पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए भी बोलते हैं और इसके अलावा हम कई बार पेशेंट को IV फ्लूड भी लगाते हैं। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूड बढ़ाने के लिए एमिनो एसिड के बाज़ार में IV फ्लूड भी मिलते हैं, जिन्हें भी IV लाइन के द्वारा लगाया जाता है। मार्केट में आर्जिनिन के सेसे भी मिलते हैं जिन्हें पानी में घोल के पेशेंट को पीने के लिए बोला जाता है। बहुत से केसेस में क्या होता है कि सारे उपाय करने के बाद भी एमनियोटिक फ्लूड नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टाइम से पहले ही टर्मिनेट करना पड़ता है। तो ये था ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। अगर आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।